हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। जेपीएससी द्वारा 170 रेंजर्स और 78 सहायक वन संरक्षण का नियुक्ति किया जाएगा। उसके लिए जेपीएससी ने फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन। हम उसको पूरे डिटेल में देखेंगे। इससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जेपीएससी से रिलेटेड या फिर कुछ भी झारखंड से रिलेटेड हो, आपको जल्द से जल्द मिलने का। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और पूरे डिटेल में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं, क्या आपका परसेंटेज वगैरह से रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, सारा चीज़ देखेंगे। तो इसमें जो है झारखंड राज्य के पर्यावरण, वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो ये रिलीज़ किया गया है फॉर्म, वन क्षेत्र पदाधिकारी पद की नियुक्ति प्राप्त हेतु अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अधात्री भारतीय नागरिकों को विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं, jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, ठीक है। पद का नाम जो है वन क्षेत्र पदाधिकारी, और विभाग द्वारा अधियाचना कोटिवार रिक्त पदों की संख्या, जो आपका वैकेंसी जो रिलीज़ किया है उसमें कितना आप कहाँ कौन सा कैटेगरी को डिवाइड किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला अनरिजर्व के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका 79 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 47, ईबीसी 1 के लिए 15 और बीसी 2 के लिए 12, ठीक है। और आपका जो है इसमें वुमेन्स के लिए जो है 9 सीट्स रिजर्व है, स्पोर्ट्स के लिए 3, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 1, अंधापन एवं कम दृष्टि के लिए कोई भी रिक्त नहीं है, बहरापन के लिए भी कोई भी नहीं है, चलन निषेधता के लिए भी, मतलब जो चल नहीं पाते हैं उसके लिए भी ये वैकेंसी नहीं है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो है, बहुत सारा जो होता है, उसके लिए भी कोई पद इसमें नहीं दिया गया है। तो कुल 170 पद है। वेतनमान जो आपका है PB2 ग्रेड पे जो है 4200 लेवल 6 में आपका दिया जाएगा, ठीक है। 9300 से लेकर के 34800 तक। पद की प्रकृति जो है स्थाई है। पद मूल कोटि समूह में ख राजपत्रित नेक्स्ट आपका है परीक्षा मान अवधि 2 वर्ष। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें डिमांड किया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपका जो होना चाहिए एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो सकते हैं आप, ठीक है। एग्रीकल्चर हस्बेंड्री आप अगर कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, उससे भी आप भर सकते हैं। वेटनरी, फॉरेस्ट्री, बोटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इवन जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्टेड और इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सब मतलब बैचलर डिग्री डिमांड किया गया है, कोई भी इन सब्जेक्ट से होना चाहिए आपका। शारीरिक समर्थता परीक्षण के मापदंड जो आपका शारीरिक मतलब फिजिकल आपका टेस्टिंग होगा, उसमें आपका ऊंचाई महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, अच्छा इसमें कोटिवार ढंग से भी अलग अलग किया गया है ऊंचाई, और ऊंचाई महिला के लिए, पुरुष के लिए जो 152 सेंटीमीटर, महिला के लिए 145, जनजाति और सीना बिना फुलाए पुरुष का जो है 79 होना चाहिए सेंटीमीटर। शारीरिक परीक्षण पुरुष के लिए 4 घंटा 25 किलोमीटर पैदल चलना, 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और शारीरिक महिला के लिए जो है 4 घंटा में 14 किलोमीटर। और ये आपका जो ऊंचाई दौड़ना जो है आप अन्य कोटि के लिए जो है आपका 163 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है आपका महिला के लिए, अन्य कोटि वाले के लिए जो है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम उम्र सीमा का अगर बात करते हैं तो उम्र सीमा आपका 1/8/2024 तक आपका न्यूनतम उम्र सीमा 21 होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा जो है आपका अनरिजर्व के लिए 35 रखा गया है। ईडब्ल्यूएस जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 37, फीमेल के लिए 38,
शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 40, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35, एक्स सर्विस मैन के लिए 5 साल के रिलैक्सेशन दिया गया है आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, ठीक है। नेक्स्ट, नियुक्ति हेतु चयन प्रतिक्रिया क्या है। पहले सबसे आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, शारीरिक परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षण, मतलब सारा जो होगा प्री मेंस जो आप समझते हैं, और उसमें शारीरिक परीक्षा भी हो जाए, फिजिकल भी होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपका साक्षात्कार, मतलब वाइवा वगैरह भी होगा और मेडिकल चेकअप भी होगा, ठीक है, सारा चीज़ होगा। देखिए आपका जो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा प्री में जो आपका जो पूछा जाएगा उसमें आपका लगभग 150 कुल प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20 क्वेश्चन, भारतीय एवं विश्व का भूगोल 20, राज्य भारतीय राजस्व एवं भारतीय संविधान के लिए 20, भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 क्वेश्चन, झारखंड इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था की संस्कृति में 30 क्वेश्चन, राज्य देश विश्व एवं महत्वपूर्ण समस्याएं घटनाएं 20, सामान्य विज्ञान के लिए आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। कुल आपका 150 जो पहला जो आपका प्री होगा उसमें। मेंस में अगर हम बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा जो है और उसमें आपका पूर्ण कैसे अंक दिया जाएगा, उसमें सबसे पहला सामान्य हिंदी में 50 और अंग्रेजी में 50, कुल आपका 100 होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 में आपका जो होगा 100 अंक का होगा, 2 घंटा दिया जाएगा। आपका वैकल्पिक विषय पत्र में जो है आपका 200 होगा, और पत्र 2 में जो आपका 200 अंक होगा, 3-3 घंटा का समय रहेगा। साक्षात्कार में जो 50 अंक का, तो कुल आपका जो है 550 अंक का ये होगा लिखित परीक्षा, ठीक है। नोट, मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंक के आयोग के अनुसार होगा, ठीक है। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे 3 घंटा का, अनिवार्य सेक्शन आपका कौन कौन सा है, भाषा को छोड़कर सभी विषय और उत्तर या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं, क अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी 50 आपका बता दिया और अंग्रेजी 50 होगा, ठीक है। हिंदी के पाठ्यक्रम एवं अंक, निबंध 20 का रहेगा, संक्षेपण जो है आपका 10, व्याकरण आपका 20 का, और अंग्रेजी का बात करें तो एसे 10, कॉम्प्रिहेंसिव 20 और ग्रामर 20। मेन सब्जेक्ट है आपका उसका 200 अंक का होगा सब्जेक्टिव, जिसमें से आप जो भी जिसमें से भी ग्रेजुएशन किए हैं उस पे रहेगा। जैसे आप कृषि किए हैं तो कृषि से रहेगा, बीटेक एग्रीकल्चर किए हैं तो बीटेक एग्रीकल्चर से रहेगा, पशुपालन किए तो पशुपालन, तो इन 15 में से जिसमें से भी आप किए हैं उसका 200 नंबर का रहेगा प्रश्न। जो कटअप दिया है प्रारंभिक, जो कटअप प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्धांक नियमित जो आपका किया गया है, अनारक्षित के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची के लिए 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए 32, आदित जनजाति के लिए 30, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए जो है आपका 40% जो है आपका दिया गया है। ये नोटिस आपको www.jpsc.gov.in पे जो है आपको रिलीज किया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। अगर मैं बात करूं परीक्षा का शुल्क, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से कर सकते हैं, वेबसाइट www.jpsc.gov.pe, ठीक है। आपका अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क आपका 600 है प्लस बैंक चार्ज मात्र है, ठीक है। और परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति
अनुजनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 150 प्लस बैंक चार्ज मात्र रखा गया है। ठीक है, अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर में परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिका समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षा फल जो है नॉन रिफंडेबल होगा। ऑनलाइन आवेदन में अपना जो ईमेल आईडी है, नंबर है, पासवर्ड है, ये सब जो है आप दे दिए, जो आपको कुछ भी डिटेल वगैरह आता है तो आपको ईमेल पे जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है ऑनलाइन फिल फॉर्म करने में तो आपका हेल्पलाइन है, ये इस नंबर पे आप 10 बजे से 5 बजे तक कॉल करके पूछ सकते हैं। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षर ब्लॉक लेटर में ही आवेदन भरना होगा। ठीक है, हस्ताक्षर को छोड़ करके सारा ब्लॉक लेटर में भरना है आपको। आपका नाम, पता, ये सब जितना भी डिटेल है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो है वही लिखना है। और इसका जो डेट है आपका, जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका जो है आपका तिथि जो है 29/7/2024 से लेकर के 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से दिनांक 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। दिनांक 1/8/2024 के बाद दिनांक 8/11/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत किए जाएंगे तथा उनके लिए मतलब उसके लिए परीक्षार्थी जिम्मेदार होंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। धन्यवाद।